राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव का जन्म सन 1967 के जनवरी महीने में मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत दुमडवाना गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रामकिशोर सिंह उच्च विद्यालय छपरा से हुई। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का देहांत हो गया जब उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय से स्नातक में नामांकन लिया, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें अपनी स्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। चूंकि जिम्मेदारियां बहुत थीं और घर भी चलाना था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज के पास एक दवा की दुकान खोली और मरीजों के साथ जरूरतमंदों की सेवा और तीमारदारी में लग गए। चूंकि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इसलिए उन्हें जिले के हर कोने से आने वाले मरीजों की सेवा का अवसर मिला। यहीं से उनका समाज सेवा और राजनीति की ओर झुकाव बढ़ने लगा। उस समय लालू यादव की सरकार बिहार में थी और लालू यादव की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लालू प्रसाद यादव के सिद्धांत और राजनीति ने उन्हें काफी प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्होंने साल 1994 में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली। फिर राजनीतिक सक्रियता और पार्टी के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 1995 में युवा राजद के मीनापुर का प्रखंड अध्यक्ष बनाया। यहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी में उनके कामों में सक्रिय भागीदारी की वजह से पार्टी के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और उन्हें सन 2000 में जिला महासचिव बनाया। इस दौरान वर्ष 2009 में उनकी मुलाकात महान समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह से हुई, जो उस समय वैशाली से सांसद थे। उनके सिद्धांत और नीतियों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली और उन्होंने रघुवंश बाबू को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनके राजनीति के तरीकों का अनुसरण करने लगे। समय के साथ पार्टी के अंदर और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके बाद उन्हें प्रदेश के लोकप्रिय राजनीतिज्ञों ने अपना इलेक्शन इंचार्ज बनाया, जिसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं। हिंद केसरी यादव के इलेक्शन इंचार्ज 2 बार बने, महेंद्र सहनी के इलेक्शन इंचार्ज 2 बार बने, कप्तान जय नारायण निषाद के इलेक्शन इंचार्ज 2 बार बने, भगवान लाल सहनी के इलेक्शन इंचार्ज 2 बार बने, रघुवंश बाबू के इलेक्शन इंचार्ज 2 बार बने। इसका सबसे बड़ा इनाम उन्हें 2010 में मिला, जब उन्हें मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें 2010 में जनता दल यूनाइटेड के दिनेश प्रसाद कुशवाहा से बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लोगों और जनता के लिए कार्य करना और अधिक निष्ठा से जारी रखा। परिणामवश 2015 में फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार उन्होंने बीजेपी के अजय कुमार कुशवाहा को 23,940 मतों से हराकर विधानसभा में प्रवेश किया। विधानसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में तरक्की के लिए काफी काम किए। इस दौरान केवल 5 सालों में 122 सड़कों का निर्माण हुआ। क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज खोलने की अनुमति मिली। मीनापुर में मॉडल प्रखंड भवन का निर्माण हुआ। रामपुर हरी थाने के निर्माण की स्वीकृति मिली। साथ ही 6 पुलों का निर्माण हुआ, जिसमें कफेन पुल, पिपरा पुल, टेंगराहा पुल, हरका पुल, रामनगर पुल, शीतल पट्टी पुल शामिल है। 3 पावर सब स्टेशन की स्वीकृति और 2 का निर्माण जारी है। उल्लेखनीय कार्य और लोकप्रियता के कारण उन्हें एक बार फिर महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मीनापुर का नेतृत्व विधानसभा में करने के लिए लड़ाई पूरे दमखम से लड़ने को तैयार हैं। आपका साथ हमारा संकल्प, आपका साथ हमारा संकल्प।
आपका साथ हमारा संकल्प।